अभी सर आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। 146 के विधायक प्रताप सरनाइक द्वारा मीरा भाईंदर शहर में हजारों की निधि लाए हैं मीरा भाईंदर शहर को विकसित करने में। इसी प्रकार आज विधायक प्रताप सरनाइक मनपा आयुक्त और मनपा के कई अधिकारी ठेकेदारों के साथ में उन्होंने हर एक काम का जायजा लिया। उन्होंने शुरुआत किया हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे दलान से प्रमोद महाजन सभागृह हो या फिर घोड़बंदर किला, घोड़बंदर खाड़ी और इसमें जहां हम खड़े हैं घोड़बंदर जेट्टी और चेना रिवर के पास भी उन्होंने विजिट किया कि काम कितना पूरा हुआ है और कितना समय लगेगा। उन्होंने ठेकेदारों से बात की और उनसे भी कहा कि जल्द से जल्द इन कामों को पूरा किया जाए और मीरा भाईंदर शहरवासी जिसका लाभ ले सके। चलिए बात करते हैं 146 के विधायक प्रताप सरनाइक से। मकसद क्या है? खासकर मीरा भाईंदर शहर में राज्य शासन के माध्यम से करोड़ों रुपए की निधि मैं पिछले एक साल में लेकर आया राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने इस मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत बड़े पैमाने पर निधि की उपलब्धता का करके दी है। उसमें से करीबन 1200 करोड़ रुपए की निधि ये जो स्ट्रक्चर अलग अलग है उसके लिए दिए है और साथ में 1800 करोड़ रुपए से ज़्यादा निधि ये रास्तों के लिए दी है। तो ये 1200 करोड़ रुपए की जो निधि है उसमें करीबन ये 60 करोड़ रुपए का निधि बाला साहब ठाकरे कला दालन जो शहर के मध्यवर्ती जगह है गोल्डन नेस्ट वहाँ पर बन रहा है। साथ ही में हमारे प्रमोद महाजन कला दालन है, घोड़बंदर किला है, घोड़बंदर किले के बाजू में शिवसृष्टि है, उसके बाद में जो घोड़बंदर खाड़ी डेवलपमेंट है वो है, हम लोग वाटर ये जो खाड़ी किनारा है उसके माध्यम से हम लोग जलवाहतुक चालू कर रहे हैं उसके लिए कुछ फंड दिया और चेना रिवर फ्रंट के लिए 100 करोड़ से ज़्यादा निधि की उपलब्धता राज्य शासन के माध्यम से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने करके दी है। करीबन 4 महीने हो गए हमारे कमिश्नर साहब संजय काटकर जी को मीरा भाईंदर शहर में और बहुत ही अच्छी तरह से वो काम शहर के हित के लिए कर रहे हैं, डेवलपमेंट के हित के हिसाब से वो लोग बहुत ही प्रयत्नशील है, साइड विजिट सब साइट की कर रहे हैं। मगर ये जो साइट हम आज कर रहे हैं ये हर जगह पे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है उसकी साइड विजिट आज कर रहे हैं कि काम की कहाँ तक हो गया है और काम की गति क्या है। तो ठेकेदार और संबंधित सभी डिपार्टमेंट के लोगों को भी यहाँ पे बुलाया गया है। ये हम लोग बाला साहब ठाकरे कला दालन जो है पिछले 3 साल से चल रहा है मगर इसकी जो आप देख रहे हैं स्पैन जो है बहुत ही बड़ा है। सिविल वर्क मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा कि इतना बड़ा और भव्य अति भव्य बाला साहब ठाकरे जी का कला दालन मैं तो बोलता हूँ कि देश में पहला कला दालन होगा जिसमें सभी सुविधाएं महानगर पालिका के माध्यम से लोगों के लिए उपलब्ध की जाएगी। यहाँ पे जो खर्चा हो रहा है करीबन 60 करोड़ का खर्चा है, 45 करोड़ पहले खर्चा हो रहा था मगर फिर भी उसमें पूरा नहीं हो रहा था इसलिए 15 करोड़ रुपए और शिंदे साहब ने मुख्यमंत्री के तौर पे अपने फंड से इसको उपलब्ध करके दिए। तो 60 करोड़ से ज़्यादा ये खर्चा करके बनेगा। जल्दी से जल्दी हम तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये बन पाए मगर कॉन्ट्रैक्टर 2-3 होने के हिसाब से इसको थोड़ी डिले हो रही है मगर हम भी यही सोचते हैं कि थोड़ा डिले हो गया तो भी चलेगा मगर काम बहुत अच्छा और सुनहरा होना चाहिए ताकि आगे के 50 साल मीरा भाईंदर शहर के लोगों को ऐसी वास्तु मिल नहीं पाएगी। इसलिए हम कोशिश करें और संजय काटकर साहब भी बहुत मेहनत करें, हमारे सिटी इंजीनियर दीपक खंबित साहब वो भी बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर निगरानी रख रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वास्तु पूरी हो जाए और इसका लोकार्पण हम लोग मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार के हाथों से कर दें। कि 23 जनवरी को आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की जयंती है, उसी दिन अगर ये हो सकेगा तो कोशिश कर दीजिए। वो हिसाब से हम लोग ने आज साइट विजिट की है, अभी करीबन 2 महीने उसको बाकी है तो 2 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना पूरा हो जाता है उसके लिए मैं कोशिश करूँगा। सिविल का काम बढ़ा है, देखिए जो अच्छा काम होता है उसके लिए टाइम जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये इसके लिए टाइम नहीं गए मगर इसके लिए बहुत अड़चने थी। ये देखिए बाजू की जो झोपड़ियाँ है वो झोपड़ियाँ यहाँ पे बसी है उनको शिफ्ट करना है क्योंकि ये झोपड़ियों का TDR तो किसी मीरा भाईंदर के पहले वाले नेता ने लेके खा गया है। अभी झोपड़े उनको हटाने हैं, वो महानगर पालिका के खुद के खर्चे से झोपड़े हटाने हैं। तो ये सब काम तो होती है, पुराने लोगों ने जो गंदगी फैला के रखी है वो साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम तो जाएगा, वो हम साफ़ सफाई उसकी कर रही है। देखिए झोपड़े वहीं पे
मगर उसका TDR खा गया, कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इलीगल ये रिजर्वेशन के प्लॉट में इतने बड़े इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गए, उन लोगों ने रखी है, उसके बारे में कोई बोलता नहीं है, मगर हमारी शाखाएं जो जनहित की काम करते हैं उसके बारे में लोग बोलते हैं। फिर भी ठीक है, ये तो लोगों का कहना है, अगर कुछ गलत चीज़ होगी तो मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। शिवसेना का विधायक होने के नाते हमारे लोगों ने अगर कुछ गलतियां की तो वो गलतियां नहीं करी, इसके लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। मगर फिर ये शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का कला दालन ये मेरा सपना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके जन्मदिन के मुहूर्त पे होना चाहिए, ऐसे मैंने कमिश्नर साहब को कहा है और कमिश्नर साहब उसके लिए।